सी मोहब्बत करते हो। लो जनाब गर्मा गर्म सूप, आपका सूप। प्लीज रख दीजिए, अभी मैं बाद में पी लूंगी। पी लो, गर्म है। बाद में पी लूंगी अकबर। ओके। बहुत थक जाते हैं ना आप मेरा काम करते हुए। तुम और तुम्हारे काम जिंदगी है मेरी। भला जिंदगी से कोई थकता है? कैसी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। जिसके ख्वाब तो सब देखते हैं मगर पाते बहुत कम लोग हैं। क्यों करते हैं इतनी मोहब्बत मुझसे? शायद मेरे वजूद ने सदियों से तुम्हारे लिए मोहब्बत संभाल कर रखा है, जिस तरह तुमने अपनी वफा और अपनी मोहब्बत को मेरे लिए संभाल कर रखा है। रुको 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 यार, ये कजन तुम्हारा क्या नाम है इसका, हाँ आमिर, बड़ा अजीब है, शादी के बाद आया ही नहीं मिलने। आया था एक दिन जाने से पहले, आप उस दिन घर पे नहीं थे। जाने से पहले मतलब? वो अब अमेरिका में है। अच्छा, बताया नहीं तुमने। बताना तो बहुत कुछ था आपको लेकिन वक्त ने मौका ही नहीं थी। हो सकता है वो सब इतना अहम ना हो। इसका फैसला वक्त के नहीं, आपके हाथ में। ओफो, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो अकबर, आप मुझे कितना जानते हैं? अपने आप से भी ज्यादा। और कितना चाहते हैं मुझे? जितनी सांसें ले चुका हूं उससे कई हजार गुना ज्यादा। अकबर, मेरे दिल पर एक बोझ है। बोझ? आज मैं उसे उतार देना चाहती हूँ। कैसा बोझ? मैं आपकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी, पर आप क्या? आप मेरी जिंदगी में आमिर के बाद आए। तुम मजाक कर रही हो। हमना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं और हमीर एक दूसरे की चाहत है लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकी क्योंकि मेरे वालदैन की नजर में आप ज्यादा मौजूद हैं और उस वक्त आमिर मुझसे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं करता था। बस बस चुप हो जाओ। यानी तुम और आमिर, हमारा इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब मुझसे। शादी के बाद कभी नहीं मिले। जिंदगी के 30 साल, 30 साल तक जिस फूल को मैं अपने आंगन में महकाता रहा वो अपने दामन में किसी और की महक को बसा। अकबर, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। बस आमना बस, तुम आमिर को चाहती थी
और तुम कहती हो तुम्हारे और आमिर के दरमियान कुछ भी नहीं था। तुम्हारा सारा वजूद झूठ है, झूठ है सब, झूठ है आमना, झूठ। अकबर, अकबर, आमना के दिल में कोई और बसता था? वो दोनों तो एक ही छत के नीचे रहते थे और आमना कहती है कि उसके और आमिर के दरमियान कुछ नहीं। आया था एक दिन जाने से पहले, आप उस दिन घर पे नहीं थे। वो आया होगा और यहाँ बैठा होगा। आमिर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर? तुम कैसी मोहब्बत करती हो मुझसे, मेरे होते हुए किसी और की बन गई? मैं उससे तो मोहब्बत नहीं करती, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तो सिर्फ तुम। भूल गई बोला मैं जो हमने एक साथ गुजारे थे? जाकर भी नहीं भुला सकता, लेकिन शायद यही मेरी सजा। सजा तो मुझे मिली है, मैंने तुम्हारे प्यार में सारी हदें पार कर दी और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं जानता हूं हमारे बीच कोई फासला नहीं था, लेकिन एक दीवार है अकबर। ये दीवार हमारी मोहब्बत के सामने बहुत जल्दी गिर जाएगी, तुम देख लेना। मैं